Hello guys, in the last lecture regarding the lifting plan, we have discussed the basics, okay, how to find the radius of the crane, okay, and the angle, boom length, etc. We have discussed in the last lecture. Now we will proceed further and we will understand how to find the boom length, counterweight, etc. of a crane. तो अब मेरे पास क्या है, आई हैव टू डू द इरेक्शन ऑफ दिस टी गर्डर एंड दिस टी गर्डर वेट्स 40.3 मैट्रिक टन एंड द टूल्स एंड टैकल्स 10 मैट्रिक टन द टोटल वेट इज 50.3 मैट्रिक टन बेसिकली द वेट दैट इज कमिंग ऑन द क्रेन हुक इज 50.3 मैट्रिक टन तो जो वेट है ना जो क्रेन के हुक पे आ रहा है वो कितना है 50.3 मैट्रिक टन आ रहा है दोस्तों और मुझे जो रेडियस है जिस पे मुझे लिफ्ट करना है दैट इज 17 मीटर टू 19 मीटर इसके बीच में मतलब ये ऑपरेटिंग रेडियस 17 मीटर होगा लेकिन हमने मार्जिन लेके 19 मीटर तक हमारा मैक्सिमम रेडियस है तो रेडियस वेरीज फ्रॉम 17 मीटर टू 19 मीटर ठीक है अब क्या है दोस्तों अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि खाली सीधा मेरे को 50.3 टन की कैपेसिटी देखनी है बेसिकली क्या होता है क्रेन का अगर मुझे कुछ भी डिसाइड करना है कि इसका बूम लेंथ कितना होना चाहिए किस रेडियस पे कितनी क्रेन की कैपेसिटी मिलेगी क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड करती है बेसिकली उसके बूम लेंथ के ऊपर ठीक है और डिपेंड करती है रेडियस के क्रेन के रेडियस के ऊपर तो अब हमें क्या है इसका लोड चार्ट होता है उस लोड चार्ट के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ता है तो अब ऐसा नहीं कि मेरे को खाली लोड चार्ट में इसका 50.3 मैट्रिक टन ही देखना है ऐसा नहीं है मित्रों क्योंकि देखो एक सिंपल सा फंडा है इरेक्शन का और लिफ्टिंग का हम किसी भी मशीन की कैपेसिटी 75% से ज़्यादा कभी भी यूज़ नहीं करते हैं मतलब क्रेन कैपेसिटी अगर देखें क्रेन कैपेसिटी का अगर हम सिंपल सा फॉर्मूला देखें तो वो होता है एक्चुअल वेट जो है जो वो उठा रहा है एक्चुअल वेट डिवाइड बाई द मैक्सिमम वेट डिवाइड बाई द मैक्सिमम वेट ठीक है अब क्या चीज़ है दोस्तों कि एक्चुअल वेट तो कितना है ये है मेरा 50.3 है ना और जो मैक्सिमम वेट है मेरे को इस 50.3 के हिसाब से सेफ साइड लेके मुझे अब वो वेट निकालना पड़ेगा जो एक्चुअली जिसको मुझे लोड चार्ट में ढूंढना है तो क्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है 75% तो 0.75 ओके एंड एक्चुअल वेट कितना है 50.3 मैट्रिक टन डिवाइड बाई मैक्सिमम वेट तो यहाँ से जो मेरा मैक्सिमम वेट निकल के आ गया वो कितना आ जाएगा कुछ 66.67 के आसपास आया 67 आ गया ठीक है मित्रों अब इसका जो मैक्सिमम वेट है वो आ गया 67 मैट्रिक टन मतलब मैं उठा रहा हूँ टी गर्डर कितने का 40.3 मैट्रिक टन का पर लोड चार्ट में मुझे जो कैपेसिटी देखनी है वो देखनी है 67 मैट्रिक टन के रिगार्डिंग ठीक है उसका रीज़न ये है मित्रों कि जो हम क्रेन है क्रेन उसकी कैपेसिटी को उसको 75% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हमें बफर लेके चलना पड़ता है हमें मार्जिन लेके चलना पड़ता है समझे इस चीज़ को तो ठीक है परसेंटेज बफर निकालना भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं तो बेसिकली ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ठीक है तो हमने क्या किया हमने देख लिया हमारा जो टारगेट है वो है 67 मैट्रिक टन का टारगेट है और जो रेडियस है मेरे पास वो कितना 17 मीटर से 19 मीटर इन सबको सोच के हमने सीधा इसका क्या किया मैनुअल लिया क्रेन का हमने उठाया मैनुअल क्रेन का मैनुअल मेरे पास ये पड़ा हुआ है सैनी क्रेन हम यूज़ कर रहे हैं इसमें इस केस में वी आर यूजिंग द सैनी क्रेन सैनी एसी 500 इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान से देखोगे अगर तो इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें गिवन रहती हैं इस मैनुअल के अंदर ये इन्होंने क्या दे रखा है ये दे रखा है इसी बेसिकली बूम लेंथ ये क्या है आपका बूम लेंथ होता है ठीक है ये क्या है आपका रेडियस रेडियस जो है जिस पर हम उठा रहे हैं ठीक है इसके बाद क्या होता है मित्रों कि ये जो बूम है बूम के फर्दर क्या होते हैं टेलीस्कोपिक सिलेंडर्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर होते हैं तो क्या होता है इसमें देखो टेलीस्कोप 1 टेलीस्कोपिक सिलेंडर 2, 3, 4, 5, 6 हैं अब इसमें क्या देखा है यहाँ पे परसेंटेज देखते हैं कि कितना हमें किस सिलेंडर को कितना एक्सटेंड करना है ये परसेंटेज यहाँ पे होता है ठीक है हमें इस लिफ्टिंग प्लान में ये भी बताना पड़ता है नॉर्मली ये लिफ्टिंग प्लान में ही डिसाइड होता है कि कितना हम किस टेलीस्कोपिक सिलेंडर को कितना हमको खोलना है या ओपन करना है कितना रिट्रेस करना है जैसे 46% इसका ओपन है टेलीस्कोपिक सिलेंडर तो ये चीज़ है उसके अलावा आप नीचे देख रहे हो ये इसका बेसिकली लेटरल लॉन्गिट्यूडनल इसका डिस्टेंस दे रखा है आउटरिगर का ठीक है इसके बाद ये दे रखा है इसका काउंटर वेट का 6 मीटर के आसपास है ये 0 टन जो है यहाँ पे काउंटर वेट है ठीक है काउंटर वेट और 360 डिग्री इसका पूरा रोटेशन है तो हमें क्या करना है हमें लोड अब जो हमें मेरे पास क्या डाटा था मुझे 67 टन का वेट उठाना था ठीक है और रेडियस है 16 मीटर से लेके 17 मीटर तक तो इसमें क्या होगा आपका जो मैनुअल होगा ना मैनुअल में डिफरेंट काउंटर वेट के रिगार्डिंग आपको दे रखा होगा कि डाटा दे रखा होगा उसके हिसाब से हमें अब देखना पड़ेगा तो पहले मैं सबसे पहले क्या काउंटर वेट जैसे मैं इसको अगर दिखाना चाहूँ ये जैसे ये रहा यहाँ से काउंटर वेट है ये 0 टन सबसे पहले आ गया काउंटर वेट 0 टन मुझे 17 मीटर से लेके 16 मीटर और 17 मीटर के बीच में रेडियस जा रहा है तो मैं 16 मीटर पे देखता हूँ
कि वेट कितना, लोड कितनी कैपेसिटी आ रही है क्रेन की, तो 16 मीटर ये वाला रेडियस वाला कॉलम है, ये बूम लेंथ दे रखी है आपको, ये जो टेलीस्कोप की बात है, तो रेडियस कितना है 16 मीटर, 16 मीटर में कैपेसिटी कितनी आ रही है, कहीं आपको 67 दिख रहा है यहाँ पर, तो मतलब ये वाली चीज़ हो गई फेल हमारी, मतलब ये वाला जीरो काउंटर वेट हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो जीरो काउंटर वेट को हम कहते हैं टाटा बाय बाय। इसके बाद हम देखते हैं आगे जीरो काउंटर वेट का, ये 14.5 मेट्रिक टन काउंटर वेट का है। यहाँ पे दिखा रहा है काउंटर वेट, अगर ध्यान से देखोगे 14.5 टन काउंटर वेट है। अब इसमें काउंटर वेट 14.5 टन है ना। रेडियस अब मुझे फिर से 16 वाले पे देखता हूँ मैं, 16 वाले पे कहीं 67 कैपेसिटी दिख रही है आपको क्या? नहीं भाई, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है भाई, तो ये भी हमारा फेल है। तो हम इसको 14.5 वाले तक को भी हम कैंसिल करते हैं। इस तरीके से 29 पे भी देखते हैं हम, 29 पे देखें अगर हम, तो 16 में कहीं आपको दिख रहा है 67 कैपेसिटी? नहीं दिख रही, मतलब ये भी फेल है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है, काउंटर वेट के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। 43.5 टन पे देख लेते हैं हम, 43.5 टन पे 16 पे कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, मतलब ये तो बड़ा बवाल वाली चीज़ है। तो हम आगे देखते हैं 43.5 टन के बाद 58 टन पे भी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। 58 टन पे देखते हैं 16 मीटर पे कहीं दिख रही है कैपेसिटी 60 में? कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं 58 टन पे देखते हैं, 58 टन पे अगर हम देखा जाए 16 मीटर पे, 58 टन पे 16 मीटर ये रेडियस 16 से 18 के बीच में कहीं इसमें कैपेसिटी दिख रही है, लेकिन 60 की लाइन में कहीं नहीं। और देख रहे हो जैसे जैसे बूम लेंथ बढ़ता जा रहा है कैपेसिटी कम होती चली, ये सिंपल सा फंडा है, ये तो 58 में भी नहीं है। अब 82 टन पे हम पहुंचते हैं मित्रों, 82 टन पे मुझे देखना है कि किस कैपेसिटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो 16 मीटर पे 82 टन में 57.9 आ रहा है, हमें कितना चाहिए 67% उठाना है। ये भी कितना 21.3 पे आ रहा है ना 16 मीटर रेडियस में, और 58 एक सेकंड जैसे जैसे बूम निकल रहा है 37 मीटर बूम। आगे देखते हैं, इसका आगे भी फर्दर दे रखा है चार्ट, 42.2 मीटर गिरा, जस्ट वेट फॉर ए वाइल, 42.2 बूम लेंथ पे 16 मीटर में कितनी कैपेसिटी आ रही है इसकी? 49.5 के आसपास आ रही है। 42.2 पे इसका आ रही है, 42.2 पे इसकी आ रही है 59.9 आ रही है, जिसमें हमने इतना हर बूम को टेलीस्कोपिक को इतना इतना परसेंटेज एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। नीचे भी देखना है हमें साथ में, ठीक है। तो ये वाली हमारी 59.9 आ रही है बेसिकली देखा जाए तो, हमारा इसमें 16 मीटर पे 59.9 आ रही है, लेकिन हमें कितना चाहिए 67 मेट्रिक टन। हम वैसे लिफ्टिंग कर सकते हैं इस पे, इतने टेलीस्कोप को हम इसका इतना खोल के, मतलब हर 246% खुला है, 346% खुला है, 446% खुला है, 546 है, 646 है, ये हम देख सकते हो काउंटर वेट कितना आ रहा है, 82 मेट्रिक टन आ रहा है। लेकिन हमें कितना देखना है, देखो इस पर लिफ्टिंग हो सकती है, इसमें क्या क्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, लेकिन हमें क्या करना है, अपना सेफ डिज़ाइन, हमें सेफ डिज़ाइन को फॉलो करना है। तो मैं लेके चलता हूँ कितना, 102 काउंटर वेट पर ले, इससे आगे काउंटर वेट पर चलते हैं, 82 से आगे वाले काउंटर वेट पर चलते हैं। अब हम देखें 102 वाले काउंटर वेट पर हम पहुँचे, तो 102 वाले काउंटर वेट पर मैं 16 मीटर में देखता हूँ, देखो 60 मीटर में तो मैं देखता हूँ। अब मुझे एक और रिक्वायरमेंट देखनी है अपनी, कि भाई जो मेरा बूम लेंथ है उससे हाइट वाइट का भी तो इशू नहीं आ रहा, तो मैं देखता हूँ कि 42 के आसपास मैं देखता हूँ तो कितना निकल के आ रहा है। 42 के आसपास मैं देखूँ अगर 16 मीटर में, तो 42.2 पे 74.3 है, और 42.2 पे दो कैपेसिटीज़ हैं, 49.5 है, तो 74.3 है 42 पे, ये हमारा 67 से ज़्यादा है, मार्जिन भी हमारा और ज़्यादा हो गया। तो 74.3 पे हम इसमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है कि भैया इसके जितने भी हैं ये परसेंटेज, जो आपको सिलेंडर्स को खोलना है सब 46% टेलीस्कोपिक सिलेंडर 2, 3, 4, 5, 6 बूम टेलीस्कोपिक सिलेंडर है, बूम बोलते हैं, बूम टेलीस्कोपिक बूम, इसको इतना इतना आपको सिलेंडर्स होते हैं बेसिकली, अंदर एक के अंदर एक एट्रेस, तो 46% खोलना है। तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं इसकी लिफ्टिंग 82 काउंटर वेट पे भी कर सकता हूँ, मैं इसकी लिफ्टिंग 82 पे भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जो 75% से कैपेसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, काउंटर वेट 82 पे किया तो वहाँ पे जो कैपेसिटी ऑफ क्रेन आ रही है, अगर मैं 82 की बात करता हूँ, 82 पे अगर मैं इसको अब देखते हैं, इधर हम बात करते हैं, इधर अगर हम देखें 82 मेट्रिक टन पे काउंटर वेट पे बूम लेंथ कितनी ले ली मैंने, 42.1 मीटर, 42 या 42.1 या 42.2 मैंने ले लिया बूम लेंथ को, 42.2 मीटर्स बूम लेंथ है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है 66.4, मतलब 67 के आसपास ही कैपेसिटी आ रही है 82 पर। लेकिन अगर मैं 102 ले रहा हूँ, तो इट दिस 42.2 मीटर्स पर हमने देखा कैपेसिटी कितनी आ रही है इसकी, 74.3। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सही है, यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें सेफ़
मतलब हमने ऐसी जगह पर कहीं इरेक्शन कर रहे हैं जहाँ पर हमें लगता है कि आपका रेडियस ज़्यादा बढ़ सकता है, या हम जो थोड़ा देखें उससे थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, या वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं कहीं ऐसा है कि हमें MS प्लेट वगैरह यूज़ करनी पड़ रही है, तो वहाँ पे सेफ साइड के लिए हम काउंटर वेट को बढ़ा देंगे। लेकिन इसका इरेक्शन 82 मेट्रिक टन पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो बूम लेंथ डिसाइड करने के लिए ना, बेसिकली हमें हाइट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब एक बार हम काम करते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया पड़ता हो जाता है। नॉर्मली मैंने देखा है 42 के आसपास, 37 से 42 के बीच में ही इरेक्शन होते हैं, 42, ठीक है। इससे ज़्यादा मैंने बूम लेंथ देखी भी नहीं है, क्योंकि बूम लेंथ जितनी ज़्यादा निकलेगी उतना लोड कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन कुछ हाइट पर रखने के लिए हमें निकालनी भी पड़ती है। तो होप दिस वीडियो क्लियर्स ऑल योर डाउट रिगार्डिंग द लिफ्टिंग प्लान। बाकी हम इसके कुछ कुछ जो छोटे छोटे से फॉर्मूलेज वगैरह हैं, क्रेन कैपेसिटी वगैरह, क्रेन एक कैपेसिटी इंडेक्स होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।